फिंच बर्ड के ट्रेनिंग टेमिंग और उनके ब्रीडिंग के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक अभी मेरे मार्च में ही ये बेबी आया था और ये इस तरीके से ट्रेंड हो गया। आप इसको पिंजरे में हाथ डाल के देखिए, खाना खा रहा है, ये फिर आ रहा है। बाकी दो नहीं आ रहे, लेकिन ये आ रहा है। इस तरीके से आप धीरे धीरे आप ट्रेमिंग कर सकते हैं अपने बर्ड्स को। ये देखिए, इसको अच्छा टेम तब होगा जब ये एक अलग पिंजरे में ले जाएंगे, इसको सिंगल उसमें ले जाएंगे, तो और ज़्यादा अच्छा ये टेम हो सकता है। हम इसके आगे मैं आपको इसकी जो ब्रीडिंग है उसके बारे में बताऊँगा, फिंच की ब्रीडिंग के बारे में कि भाई कैसे किया जा सकता है। ये अभी लगभग एक महीने का ये बेबी है, तो इस तरीके से आप उसका टेमिंग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से आप डरने रहा, अपने हाथ को ऊपर नीचे ले जा सकते हैं। ये देखिए, अब हम ब्रीडिंग के लिए तैयार हैं। यहाँ पे हमने बॉक्स तैयार किया हैगा कि जिसमें ये अपना ब्रीडिंग करेंगे, अपना नेस्ट वगैरह बनाएंगे। ये देख सकते हैं, अभी घर में आप बड़े आराम से बना सकते हैं। इसके बाद फिर ये आपके पास कुछ कॉयर होगी, उसको आप एक डिस्पोजल ऐसे मिलती हैं जो उसमें लेके शेप दे सकते हैं, जो कि हम इस बॉक्स के अंदर रख देंगे, ज़्यादा दिक्कत ना हो उनको अपना नेस्ट बनाने में। लेकिन फिर भी ये अपना रीअरेंज करती हैं आपके रखने के बावजूद भी। देख सकते हैं आप, ये रिय मेल है, ये इसको रीअरेंज कर रहा है। देख सकते हैं आप, ये धीरे धीरे आप देखेंगे भी अंदर जाके इसको अपने हिसाब से, क्योंकि बर्ड्स का अपना हिसाब होता है, हमने तो बना के रख दिया। ये देखिए, ये इसको रीअरेंज अभी कर रहा है, करता रहेगा अभी इस तरीके से, आप देखेंगे करता गया। और ये रीअरेंज करने के बाद इन्होंने आप एक्स ले कर दिएगे, दो अंडे दिए हैं, जो कि अब इसको ये तीन या चार दिन के बाद इसके ऊपर ये बैठने लगेंगे और इसको सेकने लगेंगे। देख सकते हैं आप ये क्लोजअप। ये मानसून पीरियड है जिसमें मैंने लिया था। मैंने अपना एक्सपीरियंस ये है कि मानसून पीरियड में इनका ब्रीड अच्छा होता है, क्योंकि ह्यूमिडिटी उस समय ज़्यादा होती है, जो कि ब्रीडिंग के लिए बड़ी ही कंफर्ट होती है। ये देखिए, इसमें से अब बच्चे निकल आए हैं, ये देख सकते हैं आप, दोनों अंडों में से बच्चे निकल आए हैं। लगभग 5 दिन के ये बेबी हैं, और ज़्यादा इनको छेड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए मेल उसको हटाने के, क्योंकि मैं इस समय उनका वीडियो ले रहा हूँ तो उसको वो दिक्कत होती है इसको। ये देखिए आप, घोंसला उसको डिस्टर्ब करने की सोच रहा है, तो कोशिश कीजिए ज़्यादा ना दीजिए। अच्छा, ये मैंने अपना एक्सपीरियंस है, जो पिछला मैंने जो बर्ड देखा था जिसका मैं टीमिंग कर रहा था, उसको मैंने पेडीश्योर दिया था, एक ट्रायल पैक आता है 20 रुपये करके, इसको आप ब्रेड रस वगैरह में मिला के दे सकते हैं, और उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मेरे को मिला। इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह, प्रोटीन सब होते हैं इसके अंदर, जो कि मेरे को सही लगा। ये देखिए नीचे, वो फीमेल बच्चों को लेने के लिए खा रही है, उसको मैंने ब्रेड में डाल के दिया हुआ है, और ये के साथ में कैल्शियम ब्लॉक भी रखा हुआ है। इसके बारे में आप कमेंट्स देख के आप मेरे से पूछ सकते हैं ब्लॉक कैसे बनता है। ये बर्ड्स के लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप ब्रीडिंग लेना चाहते हैं तो। ये वो बच्चा है जिसमें अभी जो मार्च में एक बर्ड हुआ था मेरे पास, उसका है ये। अब इसी तरीके से अपने फीड करेंगे बच्चों को, फीमेल देख रहे हैं आप, ले जा के फीड करेगी। ये देखिए, जो बच्चा हुआ था, मैं जो बता रहा था कि ये बहुत अच्छा मेरे को लगा जो पैक बता रहा था, ये उसने कितने देखे, कितने अंडे दिए हुए हैं आप गिनेंगे, 9 अंडे दिए हुए हैं। इट मींस के बर्ड फिट था बिल्कुल, जो अभी मेरे मार्च में बता रहा हूँ वो बर्ड बिल्कुल फिट था, तभी इसने इतनी ज़्यादा एक्स ले कर आएंगे। अदरवाइज नॉर्मली ये 3-4 के करीब करते हैं। ये देखिए आप, अब ये बच्चे घोंसले से बाहर आ गए हैं, लगभग 7 हफ्ते के हो गए हैं। एक ऊपर बैठा हुआ है और एक ये नीचे बैठा हुआ है। ये बच्चे घोंसले से बाहर आ चुके हैं, इनके पेरेंट्स अपने आप ही निकाल लाते हैं इनको। नेचर का अपना असूल है कि जैसे बच्चा बड़ा जाता है उसका भार आना होता है। ये देखिए आप, अभी छोटा है, अब ये 3-4 दिन तक अपने पेरेंट्स से ही फीड देंगे इनको, और उसके बाद ये अपने आप ही फीड करने लगेंगे, उसमें फिर कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं रहता। ये देखिए, इसको मैं फर्स्ट टाइम बाहर ले आया हूँ टीमिंग के इरादे से, ये सोफे पे मैंने इसको बिठाया। अब ये डर रहा है क्योंकि फर्स्ट टाइम ये बाहर आया है, अभी देख सकते हैं आप, अब ये हिलजुल नहीं रहा क्योंकि अभी डरा हुआ है।
वहीं का वहीं बैठा हुआ आएगा। टेमिंग करने के लिए आपको दिन में 3-4 बार इनको निकालना पड़ेगा ताकि ये हमसे यूज्ड टू हो जाएं, एटमॉस्फेयर से, आपसे। जब ये यूज्ड टू हो जाएंगे फिर ये इतना डरते नहीं आएंगे, फिर आप इनको टेम कर सकते हो। और जब बड़े हो जाते हैं आप इनको बुलाइए, उड़ के आ जाते हैं ये रूम में। ये देखिए, आप इसको बार बार निकाल रहा हूँ तो ये देखिए, ये अब बैठने लग गया है। अब इसको ऊपर नीचे कीजिए, अब ये डरेगा नहीं। ये देखिए, अब ये नहीं डरेगा। इसी तरीके से आप लोग भी इसको टेम कर सकते हैं। पीछे मैंने एक ब्रीडिंग बॉक्स बनाया हुआ है, हालांकि यूज़ नहीं किया लेकिन एक शौक है, मैंने कहा एक अच्छा सा इनका बनाया जाए ब्रीडिंग बॉक्स। ये देखिए, ये बैठा हुआ है इसके ऊपर। अब ये यहाँ के एटमॉस्फेयर से यूज़ टू हो गया है, तो अब इसको इतना डर नहीं लगेगा। आप इसको चाहे अपने ऊपर बिठाइए, उंगली पे बिठाइए, हथेली पे बिठाइए, अभी आसानी से बैठ जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि अपने आप ही उड़ के आपके पास आ जाएगा। आप कुछ भी ट्यूनिंग वगैरह रख सकते हैं इसके पास, इसका नाम रख सकते हैं, जैसे आवाज़ मारेंगे उड़ के आपके पास आ जाएगा। लेकिन हाँ, ये ध्यान देना होता है कि सारा दरवाज़ा वगैरह बंद हो, क्योंकि अगर बाहर निकल गया तो ये उड़ जाएगा, दूसरे पक्षी से फिर छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि पक्षी बहुत छोटा था, फिंच बर्ड ये बहुत छोटा था, मुश्किल से 2 इंच का, इससे ज़्यादा ये नहीं होता। 5-6 साल इसकी एज होती है, अगर अच्छे से आप इनको फीड वगैरह कराएंगे। तो साथियों, अगर आपको ये अच्छा लगा हो मेरा वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और जो लोग इस आर्ट के प्रेमी हैं उनको शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।